भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू और नसरुल्ला की प्रेम कहानी में हर पल नया मोड़ आ रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्र और पुलिस दोनों का कहना है कि अंजू ने अपने पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। यही नहीं, अंजू का निकाह नामा भी सबके सामने आ गया है। एक वीडियो में अंजू के बुर्का पहनकर कोर्ट के अंदर जाने का फुटेज भी सामने आया है। अंजू और नसरुल्ला के लगातार बदल रहे बयानों के बीच अब पाकिस्तान में शादी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI के निशाने पर रहने वाले चर्चित पत्रकार असद अली तूर ने अंजू और नसरुल्ला की शादी के खर्च और उसके भव्य प्री वेडिंग शूट के वीडियो पर सवाल उठा दिए। तथ्यों पर अगर गौर करें तो असद अली तूर की बात में काफी दम भी नजर आ रहा है। अंजू की सुरक्षा में 50 पुलिसकर्मी, बार बार बदल रहे बयान। जिस तरह से अंजू और नसरुल्ला दोनों ही बयान बदल रहे हैं वो सवालों के घेरे में। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने पर नसरुल्ला ने कहा था कि दोनों प्यार करते हैं। नसरुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अंजू के इस पाकिस्तान दौरे पर दोनों लोग सगाई करेंगे, इसके बाद अंजू भारत वापस चली जाएगी और फिर वहां से दोबारा जब आएंगी तब निगाह होगा। नसरुल्ला ने ये भी कहा था कि अंजू को इस्लाम अपनाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। इसके बाद अंजू ने एक बयान जारी कर कहा कि वो केवल घूमने के मकसद से पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर जहां मीडिया में लगातार कवरेज मिल रही थी, तो ठीक इसी के आसपास भारत की अंजू का पाकिस्तान पहुंचना और फिर उसकी पड़ोसी मुल्क में मौजूदगी की खबर पाकिस्तानी मीडिया के जरिए लीक करवाना शक पैदा करता है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। इसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का दिमाग हो सकता है। बहरहाल सीमा हैदर और अंजू के मामले में गौर करें तो ये साफ होता है कि पाकिस्तान से सीमा का आना अब तक एक प्रेम कहानी की तरह ही लगता है, लेकिन अंजू का फातिमा बनना और निगाह किसी साजिश जैसा नजर आता है। और यह हकीकत है कि मोहब्बत हो या साजिश, कभी छिपाए नहीं छिपती। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।